हे गाइस, वेलकम बैक. सो अनदर वीकेंड और हम लोग निकल पड़े हैं एक नए डेस्टिनेशन की तरफ. हाँ, हम लोग जा रहे हैं कुर्ग. देखिए टाइम हो रहा है 9:00 और अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं 270 किलोमीटर्स यहाँ से वाया मैसूर, और गूगल बता रहा है कि 5.5 घंटा लगेगा. और ये आगे जो होंडा जैस दिख रही है वो हमारे दोस्त मयंक एंड श्रुति है और उनका छोटा सा बेबी एंड डॉग है. ये रहा देखिए, और जिसका नाम है मैग्नम. बोलो हाय मैग्नम. हाय मैग्नम. हेलो. ये नाइस एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है, मतलब हमारे लिए. हमको मैसूर रोड पे अभी कनेक्ट करना है. सो यहाँ से लेफ्ट और फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे में. कौन है? पूरा निकल के अपना मुंडी पूरा निकल के वेव कर रही थी. हेलो फ्रॉम रॉबिन कपल. वो भी शायद जा रहे हैं मैसूर की तरफ वीकेंड बिताने. सो ये हमने अभी सर्विस लेन ले लिया है. देखो यही है शायद, मेरे ख्याल से यही है. So, एक में घी है ये वाला, और इसमें ऊपर से बटर डाला हुआ है. मुझे बटर वाला चाहिए. ये वाला बटर लो. ये है ओरिजिनल खट्टे इडली, एकदम बटर सॉफ्ट. मुंह में लेते ही पिघल गया. खाते ही लेते ही नहीं. फिर से बोलो. मुंह में खाते ही पिघल गया, लेते ही नहीं. फिर से बोलो. 1-7 एक्शन. सो ये है ओरिजिनल ठट्टे इडली, एकदम बटरी सॉफ्ट. मुंह में ही एक 32 एक्शन. मुंह में खाते एकदम गल जाता है. मुंह में खाते खाते ही गल जाता है. मुंह में खाते क्या है, खाते ही गल जाते हैं. फिर से बोलो. 37 एक्शन. सो ये है ओरिजिनल खट्टे इडली, एकदम बटर सॉफ्ट. बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब चम्मच लगाओ और टूट जा रहा है. ये देखिए बहुत फ्लफी है, और चटनी भी बहुत ही मस्त है इसका, तीखी चटनी. और खाते ही पूरा मुंह में पिघल जाता है. क्या बात है, ये हुई ना बात. तो हम भी खाना खाते हैं, भूख लगी है. और मयंक और श्रुति वो वहाँ बगल में कार ही लगाए हैं, तो वो लोग भी खा रहे हैं. ये है श्री शिव दर्शना शशि खट्टे इडली होटल. सो ये बहुत ही मतलब एक फेमस होटल है, और बेस्ट खट्टे इडली बिजेदी में मिलता है. तुम लोग कोई नहीं पी रहे हो? हम नहीं पियेंगे, वहाँ सामने रखो. बापरे बाप, डबल है यार. नाश्ते के साथ चाय अधूरी लगती है, मतलब बिना चाय के अधूरा लगता है. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long.
सो हम लोग एक्सप्रेस वे छोड़ दिए हैं, अभी फ्लाईओवर के नीचे से एक रोड जाएगी टुवर्ड्स श्रीरंगा पटना। सो श्रीरंगा पटना से शॉर्टकट है जो हुनसूर निकलेगी। ये क्या है? ये बार्ले है शायद। हाँ ये बार्ले है जैसा लग रहा है। बार्ले है ना? हाँ बार्ले। बियर बनती है इसकी, बियर। ये इतनी जल्दी जामुन आ गया रे? हाँ जामुन का गर्मी आ गया तो सीजन तो है। हाँ 250 ले लो ना, खराब हो जाएगा। आधा किलो 200 रुपए, ठगा दिया तुमको। अरे ठगा दिया ठीक है, बेचारा तो धूप में खड़ा है और बेच रहा है। अगर वो 300 रुपए भी बोलता 400 भी देता हम ले लेते। पहली बात तो जामुन सबसे प्रिय फल है ना, और दूसरी चीज वो इतना धूप में बेचारा बेच रहा है तो ठीक है ना। सो हुनसूर पहुंचे हैं अभी, और हुनसूर से और भी हम लोग को 67 किलोमीटर है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तुमको ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि तुम एक ड्राइवर हो और मालकिन को लेके जा रहे हो? क्या बताएं, अपना दर्द कैसे बयां करें हम सबके सामने। सो चेकिंग है। कुर्ग के कॉफी स्टेट्स से होके जा रहे हैं, और ये सब टाटा कॉफी के प्लांटेशंस है। वहाँ पे एक साइन बोर्ड था टाटा कॉफी। सो टाटा कॉफी भी अच्छा है ना, मतलब हम लोग ने उस दिन ट्राई किया, उसमें फ्री एक रेड कलर का मग भी मिलता है, अमेज़न में अवेलेबल है। 3-4 कलेक्ट कर लिए हम लोगों ने, आजकल वो रेड मग में पीते हैं टाटा के फ्री वाले। डिस्क्लेमर, प्लीज स्किप दिस वीडियो इफ यू डोंट वांट टू सी नॉन वेज आइटम्स। सो ये फिश ले लिया हमने रूपचंद। ये कौन सा मछली है? मती। सो ये मती है, ये मैंने फिशिंग के लिए लिया हुआ है, और वो रूपचंद ले लिया है रात को बारबेक्यू के लिए। तो मयंक बोला चलो फिश भी ले लेते हैं, जब फिशिंग के लिए ले रहे हैं तो अपने लिए भी ले लेते हैं, महा लंचो करते हैं। वेल आई हैड ए महा लंचो, और आगे से टेंडर चिकन भी ले लेंगे। सो आज मस्त होने वाला है मैग्नम के साथ। मैग्नम गोनीकोप्पल से 21 किलोमीटर्स है हमारे होमस्टे के लिए, और अराउंड 33 मिनट्स दिखा रहा है। सो हम लोग बिराजपेट पे जा रहे हैं, वहाँ पे ही कुंजी फार होमस्टे है, तो वहाँ जा रहे हैं। पेट फ्रेंडली था तो इसलिए हमने कॉल किया, एंड दे हैड अवेलेबिलिटी तो इसलिए हमने बुक कर लिया। क्या हो रहा पिक्सी, क्या हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है, एक दूसरे से सूंघ रहे हो? चलो पॉटी कर लो। पल्ली दो दिल मिल रहे हैं, इधर धीरे धीरे हो, देखो वो उधर सूंघ रहे हैं, वो उधर सूंघ रहे हैं, अभी एक दूसरे को समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। So, यहाँ भी डॉग हैं, और पिक्सी को कंपनी मिल गया, और ये बढ़िया इनका पार्किंग एरिया। विल पार्क देयर, पार्क देयर।
सो आपने ड्रोन शॉट्स देखे होंगे, तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है, पूरा ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी है कॉफी स्टेट्स का, और कावेरी नदी भी एकदम पास में है, तो उनके प्रॉपर्टी से भी एक्सेसिबल है, 200 मीटर्स थोड़ा सा चलना पड़ेगा, बट आई थिंक वो ज़्यादा मतलब हम बच्चे के साथ थोड़ा सा ही चलने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं और एकदम नदी के किनारे तक ले जाएंगे। सो जो प्रॉपर्टी के ओनर है वो भी हमारे साथ जा रहे हैं, मयंक के गाड़ी में बैठे हैं। आप आगे का व्यू देख लो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉर्बेट की गलियों में जा रहे हैं। ये देखिए, फिशिंग करने भाई, फिसले तो ना, फिसलते चले जाएंगे। मैं यहाँ से फिसलने वाला हूँ। अबे तुम जहां देखो वहां टांग उठा देते हो मैग्नम। ये हुई ना बात, क्या मस्त नजारा। अरे यार इस पे ड्रोन तो चलना चाहिए था, कल सुबह आएंगे ना मनीष। आज सुबह आ चुके, वो देखो वहां पर वो बंदा फिशिंग कर रहा है। ये है कांटा और ये है मच्छी, जिससे हम और मच्छी पकड़ेंगे, और नहीं मिली तो इसी को बना के खा लेंगे। ये देखो किसी ने अपना बंसी बनिया की रखी हुई है। तो बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पर, और किशन सर हमको लेके आए हैं अच्छी जगह पे फिशिंग के लिए, एंड ही इज़ द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आपको मिलाएंगे इनसे और इनकी वाइफ से। आप यहाँ देख सकते हो छोटा छोटा फिशेस है, और ये साइड्स में हैं। ये देखिए ये भाग रहा है, ये क्लियर क्रिस्टल वाटर है, और इसी के जस्ट आगे एक जगह है वहाँ पर, उस जगह पर क्योंकि लास्ट में तो कुछ फैमिलीज वहाँ नहा रही थी तो हम वहाँ नहीं गए, हमने कहा थोड़ा आगे आ जाते हैं और यहाँ पर फिशिंग करते। तो मिडल में यहाँ पर आप देख सकते हो फिशेस हैं थोड़े से, और इसी के साथ हमारा बियर वर्सेस ग्रिल का एडवेंचर खत्म होता है। ना राम मिली ना माया, वो देखो। सो आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल 20 एकर्स की प्रॉपर्टी है, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी। सो चलिए आपको रूम टूर दिलवाते हैं। फाइनली हम लोग रूम में पहुंच गए हैं, और ये सुंदर सा क्लीन नीट एंड क्लीन रूम हम लोग का एक ब्यूटीफुल कॉफी स्टेट के बीचों बीच, और बहुत ही अच्छा लग रहा है शाम का समय। ये देखिए पूरा ये बेड है, ये किंग साइज बेड मिलता है, इलेक्ट्रिक कैटल दे रखे हैं, बिस्लरी वाटर बॉटल देते हैं, और यहाँ पे फैन है, एसी नहीं है, लेकिन एसी की जरूरत है नहीं यहाँ पे कुर्ग में, सो फैन इज मोर देन एनफ। और यहाँ पे देखिए वुडन का बना हुआ है, आपको सूटकेस रखना है आपका सामान रखने के लिए, और यहाँ पे बाथरूम भी बस नीट एंड क्लीन सा बाथरूम है। सो ये रहा हमारा आज का स्टे, ये है कुंजी पार होम स्टे, पेट फ्रेंडली है, तो अभी शाम का पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, बारबेक्यू होगा, मैरिनेशन के लिए हम जो मीट लाए थे चिकन एंड फिश तो वो दे दिया है। यहाँ पे जो ओनर है आशा जी और किशन जी बहुत ही स्वीट है, और उन्होंने वही सब प्रिपेयर करेंगे, सो होमली फूड वी आर एक्सपेक्टिंग, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो अभी थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, मानवी को भी फ्रेशन अप करते हैं, और उसके बाद जाएंगे बॉनफायर एंड बारबेक्यू का। सो ये वाला है ओनर का प्रॉपर्टी, सो ओनर यहाँ पे रहते हैं, और ये पार्किंग स्पेस है, और ये यहाँ पे तीन कमरे हैं जो उन्होंने होम स्टे पे लगा रखा है। सो शाम का मस्त कॉफी एंड सैंडविच हो गया, बहुत बढ़िया से सैंडविच था। अब क्या करना है, तुम तो नहा लिए। बस अब मैग्नम चिल्ड हो गया है, बढ़िया देखो घूम घूम के तो वही पीनी है मैग्नम। और वो सामने हमारा बारबेक्यू हो रहा है, देखो बॉनफायर फिर उसी बारबेक्यू लगेगा। और ये हमारा जो चिकन लेके आए थे ये बढ़िया किशन जी ने इसमें मैरिनेट किया है दही में, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, यहाँ का फ्रेश पेपर है, सो टेस्ट तो बहुत अच्छा आने वाला है, सुगंध अच्छी आ रही है। ये देखिए चिकन इतना सारा है, हम लोगों ने दो फुल चिकन दे दिया था, दो चिकन कट इनटू 8 पीसेस वन चिकन। सो यहाँ के ओनर हैं किशन जी, हम इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको, और उनकी वाइफ है आशा जी, वो उधर बात कर रही हैं, बट इनसे पूछते हैं ये प्रॉपर्टी के बारे में, अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ कितने रूम हैं, कितने एकड़ की प्रॉपर्टी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लोग अपना वीकेंड कैसे इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। हमारा ये प्रॉपर्टी एस्टेट के अंदर वो है,
20 एकड़ से हमारा, इसके बीच में है हमारा कॉटेज। हाँ, इसमें 3 रूम्स है। हम क्या, हमारा ब्रेकफास्ट में हम ट्रेडिशनल फूड ही देते हैं और डिनर में भी वही हमारा ट्रेडिशनल में करी भी होते हैं। और क्या एक्टिविटीज़, शटल है और रिवर है पास में, कावेरी रिवर। मॉर्निंग प्लांटेशन वॉक ले जाते हैं हम। और साइड सीन जाना है तो साइड सीन भी जा सकते हैं, मडिकेरी और कुशाल नगर उस जगह में जा सकते हैं। अच्छा, सो किशन जी के पास एक बढ़िया 4x4 जीप है पुरानी। कौन सी है जीप आपके पास? यही जीप है, 1980 मॉडल का। लेकिन हमारा एस्टेट भी यूज होता है ना, एस्टेट का काम में तो यूज करते हैं, तो उसको हम सुबह दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है, चलाते हैं। मतलब आपको अगर सुकून चाहिए कि भैया बैंगलोर के हसल बसल से आपको निकलना है, क्यों मयंक? बिल्कुल, है ना, बैंगलोर में हसल बसल है। मुझे वीकेंड वो बताया था 21 ईयर से यहीं पे, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। बताइए, और वही कहना, थैंक यू जो नितिन गडकरी जी या जो भी इन्वॉल्व है, ये सब एक्सप्रेस हाईवे बना दिया बिटवीन बैंगलोर टू मैसूर। अभी मुश्किल से 4 से 5 घंटा लगता है बैंगलोर से आने में। यहाँ तक हम लोग को आने में रुकते रुकाते कितना महंग, 6 घंटा लगा होगा मैक्स मैक्स। तो बढ़िया से आइए, सैटरडे संडे बिताइए, इंजॉय कीजिए, बढ़िया शाम ठंडा के। देखिए हम लोग यहाँ आग जल रही है और ठंडा है। तो आई वुड से इट्स अ चीप एंड बेस्ट प्रॉपर्टी इन दिस एरिया। आपको खाना से लेकर अच्छी से अच्छे ट्रीटमेंट मिलेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर पर्सन अगर कोई आना चाहता है तो कितना आप चार्ज करते हैं? 2000 में उसको क्या क्या मिलता है? डिनर, ब्रेकफास्ट एंड वन प्लांटेशन वॉक। डिनर, ब्रेकफास्ट, प्लांटेशन वॉक, इवनिंग स्नैक्स एंड टी। सो मतलब इतना कुछ, टी कॉफी फूड टी सब अनलिमिटेड, और यहाँ पर रहना भी उसी में इंक्लूडेड, केवल 2000 रुपए में। वाह, सो इससे बढ़िया डील क्या होगी? 2000 रुपए में आपको रहना, खाना, बढ़िया नेचर वॉक सब चाहिए। ये इस सब चीज का एक्स्ट्रा है, और इसका जो मैरिनेशन चार्ज और मेकिंग चार्जेस अलग रहेगा, बट ओवरऑल उसके अलावा आप पूरा मस्त इंजॉय कर सकते हैं। 2000 पर्सन इज अ चीप डील आई वुड से। सो ये हो गया हमारा एक सेट चिकन, पका तो वो बढ़िया है, देखने में मजा आ रहा है, बिल्कुल जैसे मलाई टिक्का। और ये नेक्स्ट सेट, बाहर ठंडा है, पूरा गुप्त अंधेरा नहीं है? गुप्त नहीं, गुप्त गुप्त अंधेरा। स्पेशल अरेंजमेंट फॉर मानवी। मानवी तुम्हारा स्पेशल अरेंजमेंट हो गया भाई, ये देखो मच, ले लो, पकड़ो पकड़ो। लेटा ले। अब चिकन कहाँ रखेंगे हम? हाँ, तुम बीच में लेट गए, हम चिकन कहाँ रखेंगे मैडम? चलो, ए क्या हो रहा है तुम दोनों? मस्ती आओ ना ज्यादा, समझे? पिक्सी क्या हो रहा है नो, चलो नहीं बैठ जाओ। ये देखिए तो हम इन मैग्नम की बात कर रहे थे, वो वाले मैग्नम की नहीं वो मैग्नम अंदर और ये मैग्नम बाहर। मैग्नम ये आ गया, बढ़िया चिकन, और ये बहुत ही तीखा सॉस। टांग खोल के दो भाई, कौन है ये लोग? और ये देखिए, इसके साथ फिश रेडी हो चुकी है। रूपचंद आ गया भाई, रूपचंद बन गया था। रूपचंद बन गया। जियो का फोन है ना उसके अंदर? जियो का फोन था। हाँ ले आओ ले आओ, क्योंकि जियो बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। लाओ जियो से जरा व्हाट्सएप कॉल करें सबको। तो बस मयंक आ जाए, बच्चे को सुला रहा है। आजकल बाप का फर्ज ज्यादा होता है माँ से ज्यादा,
है कि नहीं? देखो हम भी तो मानवी को देखो खुद से बात करते हैं, सुलाते हैं, क्या है उसके अंदर। ये अच्छा भी लग रहा है ना? ये सही हुई ना? ये सही हुई। चिकन। और इधर क्या है? राइस। सोइदा ये कैसे खोलते हैं? रोटी, चपाती और उधर दाल का। भैया एक घंटा, दो घंटा सुलाई लियो, गाना गवा लियो। क्या लोरी वो देखो हंस रही है। लुल्ला बाई, एक क्या पल्ली क्या बोलती तू? लुल्ला बाई, लाल बाई क्या बोलती? लुल्ला बाई क्या? हम तो लोरी बोलते, कहती लुल्ला बाई। क्या बोलती बल्ली? लुल्ला बाई, लाल बाई। लुल्ला बाई सुनाया भाई, देखो देखो सोई नहीं हो, फ्रेश हो गई। मस्त जग मार रहे हैं उसको। गाना गाना कौन सा? टना टन। कौन सा गाना था? टमटम। टमटम टमटम गाना सुना दो। नो रे टमटम मचा टमटम को। चलो उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम गुस्सा नहीं करो। चलो, एक चिकन बच गया था तो हमने कहा ब्लैक वाले को दे दिया था मैंने बड़ा सा पीस, और अभी व्हाइट वाले का रह गया है तो मैंने उसको दिया, तो बेचारे का थोड़ा सा आगे रह गया। वो देखिए कहाँ पर, अब तो मेरी गाड़ी मुतोगे हैं बाबू लाल। नमक हराम, बहुत मरबो तो का समझो। मैग्नम साला हमारी गाड़ी मुत रहा है। संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये देखो ब्लैक वाले को तो मैंने दे दिया था। ओ उसको मिल गया, अरे वाह उठा लिया उसने, उसके लिए मैंने यहाँ रखा था, उसने उठा लिया। वेरी गुड। खाना सिंपल और अच्छा था ना? मैं तो था खाने के बाद है ना, खाना यही खाना पेट भरता है। ये बात तो सही है। हमारे घर में मटर पनीर को बोला जाता है, गरीब आदमी थे, मटर पनीर जानते हो क्या बोला जाता है? मम्मी कहती है कि मटर पनीर सबके सामने ये मत बोला करो, प्याज रोटी खाएंगे मम्मी आज। हाँ तो उसका नाम मटर पनीर था। एक्चुअली क्या था, हम लोग को मोटी रोटी और प्याज और साथ में एक लहसुन की चटनी और साथ में घी देसी घी पसंद था। हाँ वही मिस करते हैं। हाँ और वो हम लोग खाते थे, हमको बहुत मजा आता। लेकिन मम्मी कहती थी अगर किसी के सामने बोल दो कि हमने रोटी प्याज खाया आज तो बेइज्जती हो जाएगी, तो उसको बोला करो मटर पनीर खाएंगे आज। लेकिन वो टाइम भी अलग था भाई, वो मटर पनीर जो खा के जो मतलब जो प्याज और रोटी और वो नमक की चटनी, और ये बेसिकली आपको गर्मी के टाइम और अच्छा लगता था जब आपने आम की चटनी या। हाँ और वो गूदेदार रोटी जो बनती थी भाई, वो मजा ही अलग था। तो माँ के हाथ का जो मोटी मोटी रोटी बनती थी ना भाई, पैसा नहीं होता था, घर वाले भी सोचते थे अब सब्जी कहाँ से लाएं पैसा। वो टाइम हमने देखा है ना, तो वो टाइम में नमक की चटनी बनती थी। क्या कर रही हो? दे ओ तुम देखो, चलो चलिए। हाँ 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 चलो चलो चलो। पल्ले भी जा रही है, नीचे के जो डॉग्स हैं उनका भी ध्यान रखी हुई है। कह रही नहीं भाई वो बेचारे भूखे हैं, जबकि रूपचंद इनको दिया है। देखो ये गाड़ी है MYC। हो गया डर लगा। खा लो खा लो बेटा, आज नसीब में है, पल्ली मैडम दे रही है तुमको। खालो खालो, गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। अले आओ, छोनू छोनू भाई, हाँ छोनू छोनू है, आओ कमी 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 कमी, गुड गर्ल गुड गर्ल। क्या हो गया? हाँ खालो खालो खालो। 2014-15 में अगर आपने ये चैनल शुरू कर दिया होता तो अभी तक तो एकदम मचा चुके होते आप। अब 2014-15 में हम लोग याद है ना कहाँ थे हम लोग? इतना खतरनाक था यार, तब वो बिटकॉइन का टाइम था। बिटकॉइन यानी बिटकॉइन डिस्कशंस होते थे है ना, उस समय किराए की गाड़ी लेके अपन जाते थे। हाँ ये बात तो है, अपन खुद की गाड़ी लेके घूम रहे। मुझे याद है माइल्स कार बिटकॉइन से पेमेंट लेती थी भाई, मुझे याद है वो बिटकॉइन से पेमेंट लेती थी। हम लोग ने
अबे साला बिटकॉइन कौन लेगा, मैंने जो थोड़े बहुत लिए थे बिटकॉइन उस समय वो भी आया था ये रैंसमवेयर है ना, जिसमें सारे विंडोज अपग्रेड किए गए थे, स्टोरेज वाला तो रह गया था कि भाई रैंसमवेयर में वो 300 बिटकॉइन मांग रहे हैं। तो उस टाइम से आप आज क्या देखते हो, एक समय अपन कितना कम 4-5 ट्रिप मारी होगी अपन ने बिना किराए की गाड़ी लेके। अरे वो याद है टाटा सफारी पुरानी वाली वेरिकॉर 400, आपने ये फॉर्च्यूनर तक किराए पे लिए, अपन लोग गए थे फॉर्च्यूनर तक किराए पे ली थी और गए थे, टाइम ही अलग था भाई। अमेज, इको स्पोर्ट, एंडेवर और ये फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी अपन 5-6 गाड़ी लेके गजब ट्रिप मारे थे भाई। 70-80 हजार रुपए दिए थे हम लोगों ने, बहुत सही था वो टाइम ही अलग था। उस समय वीडियो डालते थे, उस समय हम ही सब लोग थे लेकिन सब विले थे, सब सिंगल थे। सो फाइनली इनका कार्यक्रम हो गया है, खत्म हुआ है रात के अभी 11:30 बजे और हम लोग रूम में आ गए हैं और अभी सोने जा रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का जर्नी और आज का इवनिंग हम लोग ने कैसे बिताया आप लोग के साथ शेयर किया, आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप भी वीकेंड चाह रहे हैं कि बैंगलोर से आसपास कहीं पे जाए तो ये वाला लोकेशन अच्छा है, होम स्टे है, पेट फ्रेंडली है, मेनली होमली फूड है, होमली एनवायरनमेंट है, तो वी रेकमेंड दिस। तो आप आ सकते हो, ठंडे के टाइम पे आइए तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर है अराउंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अभी थोड़ी सी गर्मी है बट रात को ठंड हो जाती है। कुंजी फायर होम स्टे इज थम्स अप फ्रॉम रोविंग कपल। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं सुबह। सुबह अभी लेट ही होगा, इनका तो लेट होगा देख के लग रहा है चेहरा। सो सुबह फिर इधर उधर थोड़ा सा देखेंगे, टहलेंगे ग्रीनरी में और फिर अपना वापस जर्नी बैक टू बैंगलोर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।